हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंगेज म्यूजिक प्रोडक्शन। मेरा नाम है जतिन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स के बारे में, जो कि बहुत लोग करते हैं अपना ट्रैक क्रिएट करते टाइम। वैसे तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं अपना ट्रैक क्रिएट करते टाइम, उनमें से ही आज एक मिस्टेक के बारे में हम बात करेंगे। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी तक ये मिस्टेक अपने ट्रैक्स में करते आए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज सीधा चलते हैं एप्पल स्टूडियो पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये है मेरा प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट को आप पहले भी मेरे वीडियोस में देख चुके हो एंड ये वही प्रोजेक्ट है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई एम श्योर कि मैं इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लूँगा। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग टॉपिक्स जिस पे मैं बना सकता हूँ, आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। सो यहाँ पे आज का टॉपिक है जो हम ड्रम सैम्पल्स, ड्रम लूप्स जो हम यूज़ करते हैं, हम स्ट्रेट अवे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, बट क्या एग्जैक्टली वैसा हमें करना चाहिए? देखो, ये डिपेंड करता है कि क्या आपकी साउंड बन रही है, कभी आप करोगे एंड कभी आप नहीं करोगे। सो इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जो है जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पे। तो अब एक बारी ड्रॉप सेक्शन आप ये वाला सुनो। तो जैसा कि अभी आपने सुना, अब आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया है, तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से जो कॉर्ड्स हैं ना, कॉर्ड्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और अब एक बारी सुन के देखते हैं। तो जैसा कि आप सुन सकते हो अभी, ये मेरा ड्रम सेक्शन है। यहाँ पे और भी फिल्स हैं, इफेक्ट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट अगर मैं आपको बताऊँ हाई हैट्स, सो वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ करा है। अब सिर्फ आप हाई हैट्स को सुनना। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ एंड ये आप हाई हैट देख सकते हो। मैं और जूम कर देता हूँ, ये पूरा एक लूप है, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ ये, सॉरी। एंड अगर मैं इसको यहाँ से करूँ एंड ये करूँ, तो ये एक पूरा लूप है, बट आप देख सकते हो मैंने इसको किस टाइप से यूज़ करा है। अगर मैं इसको यहाँ पे पूरा लूप उठा के यूज़ करता तो ये कुछ इस टाइप का प्ले होता। तो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का ट्रैक बनाना चाह रहे हो। इस ट्रैक में मुझे नहीं लग रहा था कि कंटिन्यूसली ये जो हाई हैट्स हैं वो चलती रहें, एक थोड़ा सा स्टॉप होना चाहिए। इन पर्टिकुलर मुझे जिस सेक्शन में चाहिए था वहाँ वहाँ मैंने ये जो सैम्पल है इसको चॉप करा एंड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। एक बारी अब ये सुनते हैं जो मैंने करा है। आप यहां पे देख सकते हो यहां पे एक और लूप है, तो बेसिकली ये हैंड क्लैप का एक लूप है एंड आप सुन सकते हो यहां पे भी मैंने इसको चॉप करा है। जो ड्रम्स हैं, जो स्नेयर्स हैं, जो आपकी कॉर्ड्स आपने यूज करी हैं, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब यहां पे अगर जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया, मैं एक बार एक काम करता हूँ, इस सेक्शन में यहाँ पे मैंने इस टाइप से चॉप करा है, बट इस सेक्शन में मैंने पूरी तरीके से यूज़ करा है। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ड्रम लूप और है, इसको भी यहाँ से आप देख सकते हो मैंने रिमूव किया हुआ है, यहाँ पे मैंने साइलेंट किया हुआ है। तो अब एक बारी हम फिर से ये सुनते हैं और उसके बाद ये सेक्शन सुनेंगे। इस सेक्शन पर कुछ भी चीज़ म्यूट नहीं है, कुछ भी चीज़ चॉप नहीं है, सुनते हैं एक बारी। अब एक काम करते हैं, हम सुनते हैं ड्रॉप टू जहां पे कुछ भी चॉप नहीं है। तो
तो अगर आप ढंग से आराम से सुनोगे अपने हेडफोन्स पे, सो आपको फील होगा जो हाई हेड्स हैं वो फालतू में ही इतना आवाज़ उसकी आ रही है, वो फालतू में ही, उसकी कोई नीड नहीं है, बट वो फिर भी बीच में हमने यहाँ पे डाली हैं, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल पूरा ड्रम सैम्पल है, यहाँ पे ड्रम का पैटर्न है, ड्रम्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं अच्छे साउंड नहीं कर रहे हैं। ड्रम्स जो हैं पर्टिकुलर आपके 808 जो स्नेयर्स हैं वो अच्छे साउंड कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई हेड्स की, सो वो थोड़ी सी फालतू लग रही है, एक्सेस लग रही है। इन द सेम वे हैंड क्लैप लूप, सेम वे ड्रम लूप, सो आपको देखना होगा कहाँ पे आपको चॉप करना है। आप जब भी कोई भी ड्रम लूप यूज़ करो, आप थोड़ा सा उसको चॉप करो, देखो क्या ड्रम लूप में सेक्शन आपको पसंद आ रहा है। लाइक अभी मैंने आपको ये सुनाया, अब वापस चलते हैं इस सेक्शन पे। अगर मैं आपको इसकी कहानी बताऊं, सो बेसिकली यहाँ पे ये था, यहाँ से जैसी स्नेयर आते हैं, स्नेयर के बाद थोड़ा सा एक गैप है, तो वहाँ पे जो गैप है वो फिल कर रहा है ये हाई हैट। देन उसके बाद फिर से जो यहाँ पे स्नेयर आता है, साथ में क्लैप आती है, तो फिर उसके यहाँ पे अगेन ये चीज़ फिल कर रही है हाई हैट। सो वो स्पेस फिल करना, तो जब भी आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, सो हमेशा ड्रम लूप्स ऐसे ही यूज़ मत करा करो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, उसको सुन के देखो क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अगर किसी ड्रम लूप का कुछ सेक्शन अच्छा लग रहा है, सो आप सिर्फ वो पर्टिकुलर सेक्शन ही यूज़ करोगे, सो काफ़ी अच्छी साउंड बनेगी आपके ट्रैक्स में। आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा ही करते थे, ड्रम लूप का सैम्पल लिया एंड सीधा लगा दिया, चाहे वो किसी टाइप से भी साउंड कर रहा हो, बस उसको यूज़ करना है। एंड बहुत बारी ऐसा होता था कि आप देखते थे कि दूसरा बंदा वो लूप यूज़ कर रहा है, सो मैं भी यूज़ करूँ, मेरा ट्रैक भी वैसी ग्रूवी हो जाएगा, वैसी रिदम आ जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आई होगी, आप जो अपना ट्रैक है, जो आपका जो ड्रम ग्रूव है, उसको आप क्लीन रख सकते हो। जैसे ही वो मैंने ड्रम लूप को जब चॉप किया, सो ड्रम, जब हम सिर्फ ड्रम्स को सुन रहे थे ना, वहीं पे एक क्लैरिटी आ रही थी। एंड जब पूरा का पूरा लूप लगा था, वो कहीं ना कहीं क्लैशेस कर रहे थे। आई होप काफी सारे लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब आप अपने ड्रम लूप्स को यूज करोगे, सैंपल्स को यूज करोगे, सो एक बारी सुनना क्या साउंड कर रहा है, क्या वहां पे नीडेड है या नहीं। इस टाइप से आपके जो ड्रम्स हैं, आपके जो इनफैक्ट आपका पूरा ट्रैक है, वो काफी ज्यादा क्लीन साउंड करेगा। वीडियो अच्छी लगी है सो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।